तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के शो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं लाडली बहने कुछ 16वीं किस्त यहाँ पर जारी होगा। वो आपके मन में सवाल होगा कि कितना जारी होगा, या फिर जैसे कि आपको पता होगा जो 15 किस्त जारी हुआ था जिसमें 250 रुपये की सौगात आपको दिए गए थे, जिसमें यहाँ पर 1250 रुपये को बढ़ाकर 1500 रुपये किए गए थे। जैसे कि सीएम ने जहाँ पर जो एमपी के सीएम मोहन यादव, उन्होंने कहा कि लगातार जो लाडली बहने की योजना के जो किस्त है लगातार दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, यानी कि इसकी राशि को बढ़ोतरी करते जाएंगे हर किस्त में। तो आज की छुट्टी में आपको इसी से जुड़ी आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप उससे पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि आपको जो इस चैनल पर जो भी सरकारी सरकारी योजनाएं और साथ ही आपको वैकेंसी होती, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो, आपको इस चैनल पर जो भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लाडली बहना की जो 16वीं किस्त है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, लाडली बहन योजना की जो 15 किस्त का पैसा है पर 1250 रुपये के साथ यहाँ पर जुड़कर 1500 रुपये महिलाओं के खाते में जो है ट्रांसफ़र की गई थी। आपको पता होगा कि आपको 250 रुपये की सौगात सीएम सरकार की तरफ से दिए गए थे। अभी महिलाओं को यहाँ पर 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उससे जुड़ी यहाँ पर सभी जानकारी आपको हम स्वयं आपको प्राप्त यानी कि करवाने वाले हैं, देने वाले हैं पूरी जानकारी। तो आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बनना है, बने रहना है, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 16वीं किस्त कितना मिलेगा, कब मिलेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहन आवास जो योजना के तहत यहाँ पर लगातार महिलाओं को किस्तों में पैसा में प्रदान किया जा रहा और लगातार किस्तों में पर वृद्धि सरकार की तरफ से करने की बात कही है। दोस्तों, यदि आप भी इस योजना में पात्र हैं और आपके घर में कोई आवेदन किए हैं तो आपको 16वीं किस्त इंतजार कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए जानकारी, अब वीडियो में जरूर बने रहने एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर लाडली बहने की जो 16वीं किस्त है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश के सारे कई सरकार की तरफ से कई सारी कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के द्वारा लिए चलाई जा रही है। तो उसी प्रकार एक योजना है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहन योजनाओं को ही महिलाओं को यहाँ पर जैसे कि इसका 15 किस्त सरकार की तरफ से प्रदान किए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलते हुए महिलाओं को यहाँ पर लाभ दे रही है या फिर देने वाली है। आपको पता होगा कि 15 किस्त का पैसा के बाद महिलाओं यहाँ पर 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, तो 16वीं किस्त का पैसा कितना आएगा, कब मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर स्टार्ट बताते हैं आपको। तो कब मिलने वाली है, कितना मिलने वाली है आपको बताते हैं साथियों। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में यहाँ पर सवाल होगा तो यहाँ पर दर्श सकते हैं लाडली बहन जो योजना के तरफ से यहाँ पर पैसा कब आएगा, जो खाते में आपका पैसा कब आएगा। तो मध्य प्रदेश के महिलाओं के लिए लगातार योजना के तहत जो लाभार्थी यमनी के लाभ दिए जा रहे हैं। यदि आपने 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो बताते चले आपको 16वीं किस्त सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है 10 सितंबर 2024 तक यहाँ पर आपके खाते में ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है साथियों। तो यदि आपको 15वीं किस्त आपको नहीं मिला तो कमेंट में आप बताइए। तो पैसा आपको यहाँ पर मोहन जो सीएम जो मोहन यादव माननीय हमारे मुख्यमंत्री एमपी के हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया कि 10 अगस्त तक यहाँ पर संभावना की जा रही है। दोस्तों, जहाँ तक आपको पता चले, अब आपके मन में सवाल होगा कि कितना पैसा आएगा। तो 16वीं किस्त तो यहाँ पर बताते चले तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो हाल ही 15वीं किस्त जो 1250 के साथ साथ जो खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे वो यहाँ पर 1500 रुपये किए गए थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 16वीं किस्त वो है यहाँ पर 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो 16वीं किस्त यहाँ पर 1500 रुपये डालने की संभावना जताई जा रही है दोस्तों। तो 16वीं किस्त 1500 रुपये यहाँ पर डाल जाए, क्योंकि यहाँ पर 15वीं किस्त 16 सौगात के रूप में 1500 रुपये डाली गई थी। 16वीं किस्त यहाँ पर बात करें तो 1500 रुपये डालने की यहाँ पर संभावना की जा रही है। तो आपको बताते चले इसमें जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहन योजना के जो है लगातार पैसे में बढ़ोतरी की जाएगी। स्वयं यहाँ पर जो डॉक्टर सीएम है मध्य प्रदेश के जो डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने स्वयं कहा है कि लगातार बहनों को यहाँ पर सौगात दिए जाएंगे, इनके जो राशि है लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो 16वीं किस्त 1500 रुपये मिलने की उम्मीद की जा रही है दोस्तों। तो जैसे ही सरकार की तरफ से कोई अपडेट निकलता है तो सबसे पहले आपको चैनल पर मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
तो ऐसी योजना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय।